हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग का जो हिंदी का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा अगर आपने हमारी सारी वीडियोज को देखे होंगे। ठीक है, मैंने तीन ही चार वीडियोज बनाए थे हिंदी के बारे में। तीन चार वीडियो में मैंने हिंदी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बताया था और मैंने अभी अभी पेपर देखा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। जैसे जैसे हमने बताया था कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, यह भी क्वेश्चन आया था। एक बताया था कि समुच्चय बोधक अवयव मतलब शब्द है, वह भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि अंबर का एक जो अनेकार्थी शब्द है वह क्या है, वस्त्र है, तो दूसरा पूछा था क्या होगा। और मैंने आप लोगों को सिर्फ पांच से छह महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द बताया था और मैंने कहा था इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा, इन्हीं अनेकार्थी शब्दों में से जरूर पूछा जाएगा। और मैंने अंबर का भी अनेकार्थी शब्द आपको बताया था, एक वस्त्र बताया था और दूसरा आकाश बताया था, जो कि आपके ऑप्शन में आकाश दिया था। तो अगर आपने हमारी सारी वीडियोज को अच्छे से देखे होंगे तो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप 40 में 40 का करके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वह है कि अब तो हिंदी का पेपर खत्म हो गया, अब मैथ की बारी है। ठीक है, मैथ में भी आप लोगों को एक ही दिन का गैप मिला है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके रिवीजन के लिए हमें कुछ दिनों की जरूरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन हमारे लिए है उतना बहुत है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह जो वीडियो है यह टर्म वन के लिए है, जिनका पेपर टर्म वन है, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए ज्यादातर प्रश्न कहां से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही अब लगातार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो सबसे पहले हमें 120 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहां से हम 120 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां से जब 120 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 15 और फिर 3 से 5 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 3 बार 2 मिला, 1 बार 3 मिला और 1 बार 5 मिला। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3 बार 2 मिला, 1 बार 3 मिला और 1 बार 5 मिला। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वह करेक्ट हो जाएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3 का मान है। तो जब भी ऐसे गुणा करके दिया हो और पूछेगा कि क्या मान है, सभी का गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही उसका मान होगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 × 3 कितना होता है, 72। ठीक है, 24 × 3 = 72, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर हमारा कि 6 और 20 का एचसीएफ है। एचसीएफ से तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा इसका एचसीएफ। तो यहां से 6 और 20 हम जानते हैं, देखिए हम छोटी क्लास, जैसे छोटे क्लास के बच्चे हल करते हैं वैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, 6 का भाग दे देंगे 20 में, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, यहां से 10 जाएगा, 8 × 2 बचेगा, फिर 2 से भाग यहां का आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6 और यही वाला हमारा एचसीएफ होता है, जिससे जो भाज वो पूरे पूरा कट जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर पहला। तो 6 और 20 का एचसीएफ है कितना है, 2 है। ठीक है, जल्दी से इन प्रश्नों को उतार लीजिए और देखिए अब आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर उतना भी याद रहता है तो आप पूरे के पूरे करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। देखिए अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आता है तो यहां पर सिर्फ क्या करेगा, यहां पर दूसरा चीज आ जाएगा, एबीसीडी का अन्य अक्षर आ जाएगा, दूसरा कोई चर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर देगा यहां किसी दूसरे अक्षर को देकर, या तो ए दे देगा या तो क्यू दे देगा। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन रहता है क्यू देने का, तो क्यू भी दे सकता है, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। मैं बता देता हूं कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो किसी पूर्णांक यम के लिए
प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पर मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2m+1, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या का जो रूप होगा वो 2m+1 होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यदि क्या है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, समीकरण निकाय a1x+b1y+c1=0 और a2x+b2y+c2=0 का आपको बताना है इसका कौन सा हल होगा। ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एक अद्वितीय हल है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक हल है और ऑप्शन नंबर डी दो हल हैं। तो आपको देखिए तीन कंडीशन पता होना चाहिए, एक होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, एक होता है a1/a2 ≠ b1/b2 और एक तीसरा यह होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो आपको बताना तीनों, देखिए आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यह है तो यही आएगा, तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर यहीं पर हो कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, और यदि a1/a2 ≠ b1/b2 रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तीनों में से किसी प्रकार घुमाकर दे देगा। अगला प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है, यानी कोई हल नहीं है, तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, असंगत है, हल क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी, ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर बी समपाती, ऑप्शन नंबर सी जो है समांतर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका अद्वितीय हल होता है, समपाती होती हैं तो अनेक हल होता है, समांतर होती है मतलब कोई हल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्यादातर ऑप्शन में ना इनमें से जब कोई नहीं दिया हो तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, इसको आप हटा दीजिए। तीन का आप कंपटीशन कीजिए, अब तीन में आपको पता होना करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए जब भी हमारा कोई युग्म असंगत होता है तो वह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, इसका मतलब उसका कोई हल नहीं है। तो छठवें का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, समांतर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x²-5x+2=0 का विविक्तकर है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं, सबसे पहले इसका हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। क्या दिया है, 3x²-5x+2=0 दिया है, और हम विविक्तकर जानते हैं d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b²-4ac। तो यहां से b और a और c का मान ज्ञात करने ला है, तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है 3 हो जाएगा, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, b का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, c का मान कितना दिया है तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर मान रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d बराबर b का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, -5 का होल स्क्वायर -4 दिया है, a का मान 3 दिया है और c का मान 2 दिया है। तो यहां से हल कर लीजिए, -5 का वर्ग हो जाएगा 25, -2 + 3 = 6, 6 * 4 = 24 हो जाएगा, यानी डी का मान हमें मिलेगा 1। कितना मिल गया, डी का मान 1, ठीक है। तो क्या विविक्तकर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण 3x²-5x+2=0 का विविक्तकर है, तो ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न है कि ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये देखिए कंडीशन होता है, इसके 3-4 कंडीशन होते हैं, सबका सबके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि ax² + bx + c = 0 हो के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि b²-4ac > 0, b²-4ac <0, b²-4ac = 0 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी b²-4ac = 0। अगर ऐसा कंडीशन है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक एपी यानी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है और सार्व अंतर 10 है,
तो दूसरा पद होगा। इसको भी हमें हल ही करना होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। तो यहां पर ये दिया है पहला, पहला पद ए से दिखाते हैं, 10 दिया है, सार्वत्र डी से दिखाते हैं, ये भी 10 दिया है। दूसरा पद पूछा है यानी ए वन का मान पूछा है, तो ये होता है ए प्लस डी, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो यहां से मिल जाएगा कितना 20 मिल जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 20। तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है और सार्वांतर भी 10 है, तो दूसरा पद 20 हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, आपको बताना है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम एवं समरूप दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अब कंपटीशन है तीन लोग में, सर्वांगसम या समरूप, या सर्वांगसम एवं दोनों, समरूप दोनों। तो देखिए सभी वृत्त होते हैं, समरूप का क्या मतलब होता है, जिसकी आकृति समान हो, ठीक है, और यहां पर कोण भी समान होने चाहिए, भुजाएं भी समान होनी चाहिए, सर्व अंग समान होना चाहिए, और यहां पर सिर्फ रूप समान होना चाहिए। आप देखिए आप किसी शब्द को देखकर पहचान सकते हैं कि उसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए जो वृत्त होता है ऐसा ही होता है, यही वृत्त होता है, इसके अलावा भी कोई वृत्त होता है, तो देखिए सभी का जो रूप है वो समान है कि नहीं है, है ना, तो ये हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, वह समरूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कोण थीटा, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इसका तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर ए पाई आर स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 अंश, ऑप्शन नंबर सी 2 पाई आर थीटा अपान 360 अंश, और ऑप्शन नंबर डी 6 पाई आर थीटा अपान 360। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। इसको याद कर लीजिएगा, इस पर सवाल भी दे सकता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जल्दी से बताइए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या ऑप्शन नंबर डी अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं। अनेक स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती हैं, ठीक है, तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप हमारे चैनल से बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ सभी VBI क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। और अभी आपके जो मैथ का पेपर है उसमें एक दिन का गैप है, इतने दिन में हम बहुत सारे मैथ के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हमने ऑब्जेक्टिव देखा है, हम सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।